हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। सो गाइस, इस लेसन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये ऑर्गेनिक रिएजेंट को अक्सर आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान देखते होंगे। और गाइस, ये ऑर्गेनिक रिएजेंट का नाम है डाई एजो मीथेन। तो चलिए गाइस, इस लेसन में बेसिकली हम लोग देखेंगे आखिर ये डाई एजो मीथेन होता क्या है और इनका कैसे गाइस हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डाई एजो मीथेन। डाई एजो मीथेन, देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, इनका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनका हो जाएगा फॉर्मूला CH2N2। अब गाइस, एक मैं ट्रिक के थ्रू आपको बताता हूँ कैसे आप इनका जो फॉर्मूला CH2N2 याद रख सकते हो। देखिए गाइस, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप मीथेन का फॉर्मूला तो जानते होंगे क्या होता है, CH4। तो गाइस, इसमें से क्या करना है गाइस, इसमें से दो हाइड्रोजन आइटम को हटाना है। ऑब्वियसली कार्बन क्या करता है, टेट्रावेलेंसी को मेंटेन हमेशा रखता है, टेट्रावेलेंसी के बिना वो क्या रह नहीं सकता है। तो गाइस, जैसे दो हाइड्रोजन आइटम हटेगा तो ऑब्वियसली दो एक्सटर्नल जो ग्रुप आके क्या उसमें एड होना चाहिए, मीन्स दो बॉन्ड का फॉर्मेशन इमीडिएट होना चाहिए। तो गाइस क्या होगा, दो हाइड्रोजन आइटम को हम लोग हटा रहे हैं तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज से सिंबॉलिकली यूज कर रहे हैं। अब गाइस, इसके जगह हम लोग दो नाइट्रोजन एटम को ऐड कर देंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या जानते हो कि नाइट्रोजन एटम को हम लोग क्या कहते हैं, एजो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन एटम ऐड हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डाई एजो। तो इनका क्या हो जाएगा गाइस, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके कैसे इनका न्यू फॉर्मूला बन गया CH2 और दो हाइड्रोजन आइटम तो हट गया, इनके जगह N2। तो एक नाइट्रोजन आइटम को हम लोग क्या कहते हैं, एजो। तो गाइस, दो को क्या कहेंगे, डाई एजो। और क्योंकि गाइस ये तो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है, ओरिजिनल कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्म है, तो वो है मीथेन का। तो गाइस, पेरेंट जो है स्ट्रक्चर वो भी तो उनका भी नेम तो लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, डाई एजो मीथेन। इट मींस क्या हो गया, डाई एजो ये सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म और ओरिजिनल किसका फॉर्म था, ये मीथेन का। तो गाइस, इस तरह से हम लोग CH2N2 डाई एजो मीथेन हम लोग याद रख सकते हैं इनका नेम। अब गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या होता है इनका स्ट्रक्चर गाइस, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है, जहां कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे होता है प्लस चार्ज। अब गाइस, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ही बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो ये भी आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किस एटम पे नेगेटिव चार्ज है और किस पे प्लस चार्ज है। तो यहाँ तक गाइस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ये डाई एजो मीथेन ऑर्गेनिक रिएजेंट का। अब चलिए गाइस, हम लोग इसके यूज पर आते हैं, कहाँ कहाँ इनका बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, डाई एजो मीथेन का हम लोग तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट इनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज क्या होता है गाइस, सबसे पहला गाइस हम लोग यूज करते हैं इनका पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कन्वर्जन ऑफ, हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू किसमें हो जाएगा गाइस, मिथाइल एस्टर, मिथाइल एस्टर में हो जाएगा, क्लियर। तो यहां तक क्लियर होगा गाइस, जब भी हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल एस्टर बनाना होगा तो हम लोग आंख बंद करके डाई एजो मीथेन ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, थोड़ा सा गाइस हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो इस तरीके का गाइस हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, इनका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाई एजो मीथेन CH2N2। तो क्या हो जाएगा गाइस, ये बना डालेगा कुछ ऐसा, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस यहां से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा। और गाइस इसी का नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा मिथाइल एस्टर। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, बहुत ईजी है इनका मैकेनिज्म, साथ ही साथ हम लोग मैकेनिज्म भी इनका डील कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है गाइस, कि सबसे पहले देखिए ये R है, वो H है, और गाइस यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर ही होगा, ये नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो इट मींस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड वीक है तो पाई बॉन्ड को इमीडिएटली ब्रेक करके पाई बॉन्ड का जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी अधिक है कार्बन से। तो यहां जैसे ही ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी होगा, तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी को हटाने के लिए फिर अब ये बॉन्ड देखेंगे। तो गाइस आप खुद सोचिए, यहाँ पे बॉन्ड टूटा किसके बीच था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो यहाँ कार्बन का कोई वैल्यू नहीं था ऑक्सीजन के सामने, तो
तो गाइज हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन तो कार्बन से भी और डाउन में है, तो ऑब्वियसली ये भी बॉन्ड बहुत वीक होगा, इमीडिएटली वीक ब्रेक कर जाएगा। और इस कार्बन पे क्या हो रहा है गाइज, इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है उनको डबल बॉन्ड देके मेंटेन कर लेगा। यहां से क्या हो जाएगा गाइस, यहां से H प्लस निकलेगा, तो ये गाइस H प्लस निकलेगा, इट मींस ये बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब गाइस इसमें क्या है गाइस, डाई एजो मीथेन वाले ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इट मींस न्यूक्लियोफिलिक ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये इधर से इसको अटैक करेगा। अब गाइस देखिए अब हमें क्या देखने को मिलेगा, तो अब गाइस अब हमें जो देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा गाइस, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर क्या हो जाएगा गाइस, फिर यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब गाइस यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर नेक्स्ट में क्या देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये CH3 बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, फिर ये इधर दिया तो पहले नेगेटिव फिर प्लस चार्ज, ओवरऑल इस पर से क्या हो गया गाइस, चार्ज हट गया, क्लियर। अब गाइस इस नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज। अब गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज देखने को हमें मिलेगा, वो क्या, देखिए गाइस यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और इसके जस्ट अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है पाई बॉन्ड, तो पाई और नेगेटिव चार्ज एक टाइप का क्या है गाइस, कंजुगेशन है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिस्टम जाएगा रेजोनेंस करने, रेजोनेंस करेगा तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये इधर से उठ के इधर जाएगा, तो गाइस ये जैसे जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब गाइस क्या हो जाएगा गाइस, ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, देखिएगा जब तक गाइस इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था तब तक इसका प्लस चार्ज क्या था, मेंटेन था, तब तक इसके प्लस चार्ज, देखिए नाइट्रोजन क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली क्या है, मैं बार बार क्या बोलता हूँ कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे प्लस चार्ज जब भी रहेगा तो मैकेनिज्म में सबसे पहला हमारा काम बनता है कि उस एलिमेंट पर से प्लस चार्ज को रिमूव करना। लेकिन गाइस अब तक हम लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ साथ इसके जो नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए अच्छा खासा नेगेटिव और प्लस आपस में जुड़े हुए थे, मींस अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसीलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब दिक्कत क्या होने लगा इस नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को, कि अब ये जो कार्बन था जो नेगेटिव चार्ज था जो अच्छा खासा इसके साथ अट्रैक्शन बना हुआ था, ये अब अपना नेचर ही चेंज कर लिया, ये अपने पर से चार्ज ही हटा लिया, जब चार्ज हट गया तो इसको प्रॉब्लम होने लगेगा। अब प्रॉब्लम होगा तो गाइस ये तो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वाला एलिमेंट, तो ऑब्वियसली पहला प्रोसेस क्या बनेगा मैकेनिज्म में, इस बॉन्ड को गाइस क्या करेगा, ये ब्रेक कर लेगा, ब्रेक करके क्या होगा N2 सिस्टम से आओ, इस कार्बन पे गाइस क्या हो जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर अटैक कर देगा। गाइस जैसे ही अटैक करेगा तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं ऊपर में लिखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था, आई होप गाइस आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए अब तो वही बन जाएगा, अब तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी बन गया, ये R हो जाएगा, बहुत मैं अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ऑक्सीजन पर से हट गया, ये ऑक्सीजन पे क्या था गाइस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इसके साथ क्या जुड़ गया CH3 को, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और सिस्टम से क्या हो गया गाइस, सिस्टम से N2 आउट हो गया, यही तो गाइस क्या हो गया इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म हो गया, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए ये हो गया फर्स्ट यूज ऑफ दिस ऑर्गेनिक रिएजेंट डाई एजो मीथेन। अब गाइस हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेकेंड अब हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, अब सेकेंड हमारे पास हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ एल्कीन, साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ एल्कीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। सेकेंड इनका यूज क्या है, देखिए सेकेंड है साइक्लोप्रोपेनेशन, साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का क्या होता है गाइस, साइक्लोप्रोपेनेशन होता है। तो गाइस यहां पे हम लोग एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये हम लोगों ने ले लिया, इनका रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस डाई एजो मीथेन CH2 N2। अब गाइस क्या होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हमें चीज देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो H है वो क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिथिलीन ग्रुप बनेगा जो क्या होगा गाइस, जो एवर द प्लेन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का है पॉइंट ऑफ व्यू, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये जो बन रहा है मिथिलीन ग्रुप ये एवर द प्लेन बनेगा, और ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है ये बनेगा बिलो द प्लेन। देखिए गाइस मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ये CH2 N2 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे क्या है प्लस चार्ज है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्रेक करेगा, जिस कार्बन की तरफ जाएगा उस कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज, जिस पे नहीं जाएगा वो होगा प्लस चार्ज। अब गाइस जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा इधर क्या है, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा गाइस, नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा किस पे, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, तो वहां से बॉन्ड बन गया, क्लियर गाइस।
अब क्या हो जाएगा गाइस, अब जिस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां से एक और प्रॉब्लम, एक और इशू क्या बनेगा कि यहां से गाइस नाइट्रोजन भी हटेगा सिस्टम से। नाइट्रोजन हटेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये CH2 एक बार बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी बार बनेगा न्यूक्लियोफाइल। तो गाइस एक बार जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इन दोनों कार्बन में से जिस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा वो उस पर अटैक करके बॉन्ड बनाएगा, और दूसरी बार जब ये क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी होगी वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसी कारण गाइस ये दोनों कार्बन के साथ ये जो है CH2 ग्रुप मिथिलीन ग्रुप जो है वो बॉन्ड बनाएगा एबव द प्लेन। यहां पर थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री है, और साथ ही साथ क्या होगा गाइस नाइट्रोजन गैस जो है सिस्टम से आउट हो जाएगा। तो ये आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं थर्ड, इसका यूज थर्ड यूज क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे क्या लिखना है गाइस थर्ड यूज में, एक्सटेंशन ऑफ थर्ड यूज लिखिए, थर्ड यूज क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम में क्या हो जाएगा गाइस, एक कार्बन एटम में हो जाएगा इंक्रीज। तो आप गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन, ये एसिड क्लोराइड है। अब गाइस ये थोड़ा सा इनका मैकेनिज्म लेंदी होगा, ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा गाइस डाई एजोमीथेन हम लोग यूज करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग हीटिंग करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो गाइस यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से गाइस हमें देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ R है तो एक कार्बन हो गया 1, 2, ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, यहाँ क्या हो गया 1, 2, 3, एक कार्बन क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो वही कहा जा रहा है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन और बढ़ाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आप सिंपली आंख बंद करके डाई एजोमीथेन ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे एक क्या हो गया, एक कार्बन और बढ़ गया और इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब चलिए गाइस अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म भी काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है इसका, ये आप लोग आई होप गाइस वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। थोड़ा हम लोग इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देखने के बाद आपको बहुत चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करते हैं मैकेनिज्म, इनका मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टू द पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा गाइस, सिंपली हम लोग क्या करना है बिल्कुल टू द पॉइंट सिस्टमैटिक वे में अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गाइस हमें करना है CH2 है एंड ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे क्या हो गया, इस पे हो गया प्लस चार्ज, इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज। अब गाइस क्या होगा देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर ब्रेक करेगा ऑब्वियसली गाइस, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां तक क्लियर गाइस। अब क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन वाला पोर्शन ये इस पर अटैक करेगा। अब गाइस देखिए क्या सीन बनेगा, देखिए सीन तो कुछ ऐसा बनेगा कि एक तरफ R आएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा इसी कार्बन से O पे क्या हो जाएगा गाइस नेगेटिव चार्ज, फिर गाइस क्या हो जाएगा एक तरफ हमें इधर Cl देखने को मिलेगा, हाँ इधर ही रख लो, और फिर एक तरफ क्या हमें देखने को मिलेगा CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड, और गाइस इस पे क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इससे क्या हो जाएगा गाइस इस कार्बन पर से तो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो यहां तक क्लियर होगा गाइज, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप में काफी इंटरेस्टिंग सा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे गाइज ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे गाइज ये देखिए, सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो हम लोगों ने बना लिया, अब हम लोग गाइज करेंगे क्या कि ये जो Cl है, Cl क्या है, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये सिस्टम से क्या होगा आउट होगा, सिस्टम से जैसे ही आउट होगा तो गाइज यहाँ क्या होगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये इधर क्या करेगा इसको फुलफिल कर देगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर, अब गाइज देखने को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ R हो गया आपका, फिर क्या हो जाएगा ये डबल बॉन्ड O हो गया, क्लियर। अब गाइज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH2, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ हम लोग ये रख लेते हैं प्लस चार्ज। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं इस कार्बन पे H रख लेते हैं, H तो CH2 5, अब यहाँ से क्या हो गया गाइस, यहाँ से Cl निकला है, Cl नेगेटिव, तो ऑब्वियसली Cl नेगेटिव निकला है तो ये क्या करेगा गाइस, ये आपका क्या करेगा गाइस अट्रैक्शन करेगा, तो ये अट्रैक्शन कौन सा करेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक करेगा,
तो ये क्या करेगा गाइस, ये इसको ले लेगा, इसको जैसे ही लेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड जैसे बनेगा तो ये बॉन्ड फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, मिटाते चलिएगा। ठीक है, एक बार पूरा मैकेनिज्म इस बोर्ड पे बताना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए मैं लिखते जाऊंगा और यहाँ पे बताते जाऊंगा। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में गाइस, कि यहाँ पे हो जाएगा ये कार्बन हाइड्रोजन रहेगा, फिर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड ये भी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से सिस्टम से यहाँ एक्चुअली ये सी एच है, और फिर क्या हो जाएगा गाइस, एक मिनट, हाँ यहाँ पे गाइस ऐसे रहेगा, देखिए ये तो ऐसे रहेगा ना, कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग सब कुछ सही है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो किससे अटैच रहेगा गाइस, ऑक्सीजन तो कार्बन से अटैच रहेगा, कार्बन इससे हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ ऐसे अटैचमेंट रहेगा। क्लियर, अब गाइस क्या हो जाएगा, इस पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ तक क्लियर होगा। इस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्या था गाइस, इस पे सबसे पहले प्लस चार्ज था इस नाइट्रोजन पे, इधर से क्या हो गया, इधर से डबल बॉन्ड बना, नेगेटिव चार्ज हट गया, प्लस नेगेटिव हट गया, फिर इधर से क्या हुआ, बॉन्ड खिंचाया तो इधर फिर से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इस पे आ गया फिर ओवरऑल, पहले प्लस था फिर नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हुआ, फिर प्लस आ गया और इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है गाइस, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। और गाइस साथ ही साथ सिस्टम से क्या हो गया, इधर एच, क्योंकि सीएल था तो सीएल बहुत रिएक्टिव था, तो बेचारा क्या करता, तो एक एच को कहा कि एक एच चल जा, चल आ जा, तू निकल जा, तू कार्बन से बॉन्ड ब्रेक कर ले, वैसे भी तो रहा वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं है, तू बॉन्ड ब्रेक कर ले और मेरे साथ एचसीएल मिलके बना ले और सिस्टम से आउट हो जा, तो ये बना के आउट हो गया। अब गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अब गाइस क्या होगा, अब यहां तक तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। अब गाइस इसमें हो जाएगा, अब गाइस रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो गाइस इस स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा गाइस, इसका हो जाएगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए गाइस रेजोनेंस हो जाएगा कि इधर प्लस नेगेटिव है तो फिर इधर से ये हो जाएगा, और गाइस फिर जैसे ही इधर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगा गाइस, फिर इस पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और फिर गाइस ये बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन पे आ जाएगा। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एच, ये कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और गाइस फिर क्या हो जाएगा, तो पहले प्लस चार्ज था फिर इधर क्या हुआ नेगेटिव चार्ज मिला, तो प्लस नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, फिर इधर से बॉन्ड ब्रेक कर गया, फिर प्लस चार्ज आ गया। देखिए इस नाइट्रोजन को अंत में क्या था, प्लस चार्ज था, फिर घूम फिर के नेगेटिव प्लस चार्ज होते होते अंत में फिर क्या हो गया गाइस, फिर से रेजोनेंस करके ट्रिपल बॉन्ड अपने ट्रिपल बॉन्ड वाले फॉर्म में आके यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर से हटके ये आ गया। क्लियर गाइस, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अब गाइस क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, ये रेजोनेटिंग फॉर्म है। क्लियर, ये रेजोनेटिंग फॉर्म है, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग इसी तरह बारीकी से समझते चलिए कैसे मैं मैकेनिज्म डील कर रहा हूँ। अब गाइस क्या हो जाएगा कि इनका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, इट मींस फर्स्ट वाला क्या था गाइस, फर्स्ट स्टेप में क्या करना था आपको याद होगा, तो फर्स्ट स्टेप में डाइएजोमीथेन करना था, सेकेंड अब हम लोग फर्स्ट स्टेप तो कर लिए, सेकेंड स्टेप में हीटिंग करना है। तो गाइस हीटिंग के दौरान क्या होगा, देखिए ये जो N2 जो है, ये जो सिस्टम से, ये नाइट्रोजन गैस जो है वो सिस्टम से आउट होगा, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। आप खुद सोचिए गाइस, ये कार्बन को जरा देखिए, जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो दो बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन, एक तो पांच बॉन्ड क्या पॉसिबल है क्या, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ जाएगा। गाइस देखिए यहाँ क्या हो गया कि ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, बॉन्ड ब्रेक किया तो इस कार्बन पे फिर बाद में प्लस चार्ज आया, नेगेटिव प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आर इस कार्बन पे है तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा गाइस, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन फिर से अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो ये सिस्टम से आउट होके N2 गैस निकल जाएगा। और गाइस यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ कुछ जो सीन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए यहाँ हो गया आर और गाइस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आर आ जाएगा और गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ पे ही आर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब चलिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे एस था,
एक दो तीन। और गाइस एक और तो इंटरेस्टिंग सा चीज हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहां पे एक मिनट बहुत अच्छे से देखिए, यहां पे क्या है गाइस, यहां पे तो डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो गया सी, और फिर क्या हो जाएगा गाइस, इस पे आ जाएगा, इस पे आर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा गाइस, इधर एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बन पे आर आ गया, एच आ गया, फिर डबल बॉन्ड और वो। तो गाइस ये क्या बना डाला, ये बना डाला कीटीन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में जब हम हीटिंग किए और नाइट्रोजन गैस निकला, तो उसके साथ साथ हमें कीटीन का भी फॉर्मेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये कीटीन, बहुत इंपॉर्टेंट से देखिएगा, इसी तरह से आपको ऑर्गेनिक अप्रोच करना आना चाहिए। अब गाइस यहाँ कीटीन तक तो हम लोगों ने बना लिया, अब गाइस चलिए अब हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। गाइस कीटीन का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल में लिखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कार्बन, यहाँ हो गया आर, और यहाँ क्या हो गया गाइस, एच हो गया। अब गाइस नेक्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट में बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना होगा, वो क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा गाइस, ये हाइड्रोलिसिस होगा। अब गाइस आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सारे ऐसे रूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में हाइड्रोलिसिस इनका कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गाइस अब हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करने के लिए, गाइस अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। जैसे ही ब्रेक होगा तो गाइस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा गाइस, ये ब्रेक होगा, तो उसके बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑब्वियसली गाइस फिर ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ये जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा गाइस, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर है, तो एग्जैक्टली ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। गाइस जब ये अटैक करेगा इस पे तो क्या बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग देखते जाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाना इसके मैकेनिज्म पे, लेकिन मजा आएगा। अब क्या हो जाएगा गाइस, यहां से ये ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा गाइस, थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से क्या जुड़ गया, इसके साथ OH2 आ गया, इस पे एक लोन पेयर है, साथ ही साथ प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन पे, फिर गाइस यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ गया गाइस, R आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी किसी तरह का। अब गाइस अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सा गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे O हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और OH2 पे क्या हो गया गाइस, OH2 पे गाइस आपका आ गया प्लस चार्ज। अब गाइस अब हम लोग देखिए इंटरेस्टिंग सा एक चीज क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग गाइस क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग भी सोचिए, तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे OH हो गया, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे OH हो गया, सिंपल है, देखिए OH हो गया, OH2 हम लोग इसको क्या, OH2 तो ले ही चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ सही है, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये कार्बन एच है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो अब क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग एक मिनट, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे जो OH2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, तो गाइस ये क्या करेगा, अब सिंपली देखिए वही यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इस पे प्लस चार्ज होगा, तो ये ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इस एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच प्लस, फिर एच प्लस को गाइस कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा, क्लियर। तो गाइस किस तरह का सीन फिर हमें देखने को मिलेगा, तो गाइस देख लीजिए अब हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे गाइस जब इसको एच को अट्रैक्ट करेगा, तो गाइस फिर हमें कुछ ऐसा, देखिए सिंपली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या, जैसे OH हम लोग रख दिए, फिर यहाँ भी क्या रख देंगे, OH रख देंगे, डबल बॉन्ड हो गया कार्बन, अब कार्बन के बाद क्या हो जाएगा गाइस, इधर R और इधर H हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि एक OH यहाँ, एक OH यहाँ हो गया। चलिए ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, आखिरी प्रोसेस चल रहा है।
अब गाइस क्या है कि अब हम लोग एक और चीज क्या करेंगे, ये देखिए ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है और ये एल्कोहल है, तो ये ऑब्वियसली इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, गाइस यहाँ पे हम लोग टॉटोमराइजेशन कर सकते हैं। गाइस जैसे ही हम लोग क्या करेंगे गाइस कि हम लोग टॉटोमराइजेशन करेंगे, तो उसके बाद गाइस हमें देखने को क्या मिलेगा। टॉटोमराइजेशन में बेसिकली क्या होगा कि देखिए ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा और क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा। अब गाइस देखिए होगा क्या सीन, यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड आएगा, ये कार्बन पे क्या हो जाएगा गाइस, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से क्या हो गया एच प्लस निकला, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो गाइस ये जिसको ऐसे ही अट्रैक्ट करेगा, तो उसके बाद गाइस फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, जब गाइस हम लोग रीअरेंज करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन कौन सा टॉटोमराइजेशन हो गया, ये हो गया गाइस इनॉल से कीटो, इनॉल से कीटो जा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा गाइस इनॉल कीटो टॉटोमराइजेशन। अब गाइस यहाँ से सिंपली जो हम लोग का जो मेन जो था, हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे OH हो जाएगा। तो गाइस बेसिकली सिंपली क्या हमें करना है, टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, इनॉल था क्योंकि यहाँ OH है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इन और OH है तो OL हो गया, इनॉल हो गया। अब गाइस इनॉल के लिए क्या करना है, हमको क्या करना है, इसको कीटो फॉर्म में चेंज करना है। कीटो मींस कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये बॉन्ड गाइस ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से क्या हो गया एच प्लस निकल गया, फिर गाइस ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, ये कार्बन पर से डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस कार्बन पे आके नेगेटिव चार्ज, यहाँ एच प्लस है, ये एच प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा। तो गाइस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और एच टू आ जाएगा तो आर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कार्बन पे एक एस था, यहाँ पे एक और एच आ गया, तो ये कार्बन पे दो एच हो गया, तो ये सी एच टू मिथिलीन ग्रुप बन गया, फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड ओ, और फिर इसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा OH, और गाइस यही तो हमारा क्या हो जाएगा, यही तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट था। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से गाइस थ्री यूजेस होते हैं किसके, डाई एजो मीथेन के, और इनका मैकेनिज्म भी समझेंगे। थर्ड वाला थोड़ा सा टफ था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, टफ नहीं था मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाते रहना होगा, सोचते रहना होगा कैसे करना है। तीन स्टेप था, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, डाई एजो मीथेन से करना था, फिर हीटिंग करके वहां से क्या करना था गाइस, नाइट्रोजन गैस को आउट करना था, फिर क्या करना, रेजोनेंस करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, फिर फर्दर रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस करके, फिर लास्ट में क्या हमने देखा, इनॉल फॉर्म बन रहा है। और गाइस ऑलरेडी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि इनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है फॉर्म, कीटो फॉर्म होता है। तो गाइस क्योंकि यहाँ इनॉल फॉर्म बन रहा है इसलिए गाइस क्या हो जाएगा, ये फर्दर टॉटोमराइज कर जाएगा, इनॉल से कीटो टॉटोमराइजेशन होगा, और गाइस ये हमें डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगा। मीन्स ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, मीन्स क्या हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय वन कार्बन एटम। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। इसके बाद भी किसी तरह का डाउट है रिगार्डिंग दिस लेसन, तो आप बेहिचक अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक रेट रिव्यू माई अनअकैडमी कोर्सेज। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे।